लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इस बात का ऐलान किया। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में शदीद बारिशों के बायस ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने आज होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात बराए 2022 के आर्ट्स रेगुलर और प्राइवेट और खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे और साइंस ग्रुप के अमली इम्तिहानात यानी कि प्रैक्टिकल्स को मुलतवी कर दिया है। तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब रोज जुमेरात 25 अगस्त को इन्हीं इम्तिहानी मराकज में दिए जाएंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, बोर्ड के नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी कामरान, महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया था और इस हवाले से वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने ऐलान किया है कि आज जो है सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, निजी व सरकारी तमाम तालीमी इदारों का इतलाक होगा इस पर। और जबकि आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से आज जो होने वाले इम्तहान थे उन्हें भी मुलतवी कर दिया गया, उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल के इम्तहान थे उसे बाद में लिया जाएगा। इसी तरह बात की जाए जामियात के हवाले से, ताहल फैसला ना हो सका। तमाम जामियात की जो इंतजामिया है वो मुंतजर हैं कि वजीर जामियात व तालीमी बोर्ड जो है उनकी जानिब से कोई ऐलान किया जा सके कि जामियात के हवाले से भी कोई फैसला सामने आ सके। लेकिन तमाम प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी मुत्तफिका तौर पर यही फैसला हुआ कि आज सिंध भर में तमाम निजी तालीमी इदारे भी बंद रखे जाएंगे। अफनान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।